नेता का बोल जाते हैं, करत नहीं है। और क्या, आजकल वही है कि बाप परेशान बेटा से, वो देश परेशान नेता से, यही हो रहा है। 90% बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, यह चल रहा है। अब मैं क्या बोलूं, जब भगवान ही को नहीं छोड़ रहे तो हम तुम तो कौन गिनती में लगी। अभी जनता के तीन तीन मुद्दे थे, 6 महीना पहले चुनाव हुआ जब कहा था कि 27 की पिसी खरीदेंगे किसान की, 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, लाडली बहनाओं को 3000 देंगे, तो ये ताजे झूठे तो पूरी वादा पूरी कर देते। बीजेपी राम के नाम पे वोट तो लेती है, एक मंदिर का अच्छा करना, एक मंदिर बना दिया उससे कुछ नहीं होता, हर मंदिर की देखें, जैसे अबार माता है, राम के नाम पे वोट ले ली, अबार माता को हम लोग 20 साल से ट्रस्ट की बोले, अभी तक कोई नेता ने ट्रस्ट नहीं बनवा पाया है। कलेक्टर के पास भी जाते हैं, कलेक्टर आश्वासन दे देते हैं कि भैया हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता। बढ़िया आदमी है, लायक है, देखो भी नहीं है क्षेत्र को अपने, इसलिए अभी बिक ही गए थे, और उनके भैया बिक गए थे, बेबी बिक गए थे, और का भैया भैया तो वहाँ ही ठीक ठाक। अब तुम देख नहीं रहे ठीक ठाक, सभी तो बुराई कर रहे हैं उनकी, ठीक ठाक तो बुराई क्या हम करते। विकास की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं करे, क्या है जनपद वाले हैं जो, वो खाली यहाँ से जितनी भी राशि आती है वो उठा के ले जाते हैं, और उनका कचरा भी यहीं से दर्शनार्थियों को खुद साफ करना पड़ता है, और पैसे का कोई रूझबूझ नहीं है, ले जाने का भाई काम है उनका, यहाँ पे विकास में लगाने का 1 रुपये का भी काम नहीं करते वो लोग, ना तो लाइट की व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था, ना यहाँ पे कोई भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं, जान गरीब महिला मिली, हाँ हाँ, न जमीन के मिले, न कछु के मिले, वह ऊपर से लाडली बहना हो तो हमारी जमीन है ना, तो जमीन की नहीं मिले का, मोदी ने डाये भी नहीं मिले का, हाँ मोदी ने नहीं डाये तुम्हें, किसान पे जी एटी लगा दे जो लाडली बहना वे सरकार सब कर ले थे वहीं बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट बेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा कि आपको दीवाना बना दे, तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है HDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड बीना। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम बड़ा मलेरा के अबार माता सिद्ध क्षेत्र में है, और लोकसभा चुनाव है, सियासी मिजाज जानेंगे। ये वो धर्म स्थल है, ये वो सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से अच्छे अच्छे राजनेता मुख्यमंत्री की कुर्सी भी पा गए, और कई मंत्री बन गए, कई विधायक बन गए। लेकिन हम फिर कहेंगे कि आला उदल ने यहाँ माँ की सेवा की थी, और प्राचीन यहाँ मैया की मूर्ति है, जो इस क्षेत्र का प्रताप है, जो इस क्षेत्र की महिमा है, उसके अनुसार यहाँ का विकास नहीं हुआ। तमाम लोग यहाँ वादे करके गए, पैसा भी आया, लेकिन बंदरबाट हो गया, यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, यानी माँ के दरबार से भी राजनेताओं ने जो है यहाँ भ्रष्टाचार किया। तमाम चीज़ों में आज यहाँ के जो स्थानीय बासिंदे हैं उनसे बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, साथ ही चुनावी चर्चा भी हम करेंगे। और ये बहुत पवित्र स्थल है, और यहाँ से जो बोलेगा वही सच होगा, क्योंकि यहीं से सत्य की शुरुआत होती है, यहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है, और यहीं जो परम सत्य है, हम कहेंगे यहाँ मौत को भी जो है जीवन दान मिलता है, ये बहुत धर्म स्थल है। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आगम। कहाँ है, मतलब जो इस क्षेत्र को विकास बहुत चाहिए, नहीं भाव भाव चाहिए, तो कितने तो पैसा आए थे और विकास नहीं हो पाओ? 3,57,00,000 रुपया आया है जी, और अभी विकास हुआ है लगभग 1.5 करोड़ का, और विकास रुका हुआ है, भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ रहा है जी है। और यहाँ जी है कि हम लोग किसान हैं यहाँ के, हाँ। पीछे गांव है वहाँ के हैं अबार खीरा के, आज तक हम लोगों की सोसाइटी चालू नहीं हुई, बानियों के लिए मजबूर हैं बेचने के लिए, फिर पिसी जो हमारी 20 की ले रहे बानियाँ, और भाजपा सरकार ने कहा था कि हम 27 की लेंगे, लेकिन 24 तक की जो रेट है वो नहीं मिल रहा है, सोसाइटी तक नहीं खुली, कोई भी किसान का एक भी बोरा दाना घर में रखा है, नहीं डला है सोसाइटी के अंदर, सबसे बड़ी समस्या ये है। यहाँ से तो केंद्रीय मंत्री भी रहे पहला जी, जी। मदद नहीं कुछ नहीं, किसी ने नहीं मदद की, कांग्रेस की विधायक है राम सिया, उनसे बोलते हैं तो वे कहती है कि मेरी चलती नहीं है, मैं क्या करूँ,
और कोई नहीं है। आप यहीं के जी चुनावी आ गए, क्या देखते हैं यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर नाराजगी है लोगों में? जी बिल्कुल, खुल के सपोर्ट करेंगे कांग्रेस का, समर्थन भी करेंगे कांग्रेस से, कोई वोट देंगे इसलिए क्योंकि उन लोगों ने 27 का समर्थन मूल्य रखा था, वो सरकार बनने के बाद 2400 का ही किया है, फिर भी नहीं खरीदी कर रहे हैं। झूठ पे झूठ। अभी जनता के 3-3 मुद्दे थे, 6 महीना पहले चुनाव हुआ जब कहा था कि 27 की पिसी खरीदेंगे किसान की, 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, लाडली बहनाओं को 3000 देंगे, तो ये ताजे झूठे तो पूरी वादा पूरी कर देते। उसके बाद अब देख ले जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ ये हम लोग बहुत बरसों से माता रानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, हम एक तरीके रहवासी हैं, इसके बाद भी टेस्ट में कई वर्षों से हम लोग मांग करते रहे कि माता रानी को टेस्ट में किया, या 10-20 साल से टेस्ट की मांग कर रहे, एक नहीं कम से कम 10 पंचायत के लोग जुड़कर टेस्ट की मांग करते रहे, आज तक टेस्ट में नहीं हुआ। वो इतनी घोटालेबाजी हो गई सहायगढ़ की पोषक नहर से लेकर कोई भी विकास, चाहे केंद्रीय मंत्री हों चाहे कोई भी हों, अपना काम बनाने के बाद कोई इतना जनता के सुझाव पर खड़ा नहीं उतरता, इसलिए चुनाव को तो बहिष्कार करना चाहिए। अब कहानी है कि जी के गांव में रहिए या वही कैसी कहिए या ऊँट पे लइया ले गई सो आजू आजू कहिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सत्य बोलता है तो उसको जेल में ईडी सीडी जमाने की बातें, इसे कैसे अभी घुनसा में जेल चलो जाऊँगा माता रानी के दरवाजे अगर सांसी बोल रहे हैं, तो जनता सांसी बोल रही है उसको दबाया जाता है, इसलिए हम यही कहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से सच्चाई सामने आवे। ट्रस्ट बनना चाहिए, टेस्ट बनना चाहिए, हम आज 10 साल से मांग कर रहे हैं, एक नहीं 20 साल से क्षेत्रीय लोग मांग कर रहे हैं, हम लोगों को कछु नहीं, माता रानी को तो विकास हो तो हमारा पेट तो भरने नहीं, तो हम तो आज भी सेवा में है, वो सेवा कर रहे हैं सब लोग, टेस्ट हो जा तो विकास हो जा तो जो कचरा नहीं डर रहा तो माता रानी और ज्यादा पूछती हो, जे प्राचीन इतनी बड़ी माता है, हमारे पूर्व जन्म भी कहते थे कि 15 दिन का बैसाखी पूर्णिमा को मेला लगता था, अब ऐसे ही कहूँ जनपद वाले लूट लेते हैं कहूँ को वाले, तो इसलिए आदमी आता है और जाता है, पहले बैलगाड़ियों से आते थे, हमारी माता अभी 70 साल की जिंदा है, वो बैलगाड़ियों की कंडन की सेवा और रिश्तेदारों की सेवा करते हैं। इतिहास गवाह है और हमने और आपने देखा है कि माँ के दरबार में या भगवान के दरबार में जिसने बेईमानी की है, सियासत गर्द हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, हमने और आपने उनको इस जमाने में कष्टों से भरा देखा है, तो ये माँ का बहुत प्राचीन दरबार है, जिसने यहाँ बेईमानी की है उसको दंड जरूर मिलेगा। हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि विकास की जो यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे मैयर का जो क्षेत्र है वहाँ कॉरिडोर बना, तमाम चीज़ों का विकास हुआ, शायद माँ की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अबार माता बहुत प्राचीन क्षेत्र है और मैं समझता हूँ कि इसका भी बहुत जो है अच्छा विकास हो। केंद्रीय मंत्री नहीं करवा पाए विकास इसी क्षेत्र से, सीएम रही केंद्रीय मंत्री रहे, तो अब जो जनता की वोट बेच बे के लाने दो दो दार तक जा रहे, वो कब विकास करवाएगा, कब हमारी वोट बिक जाए दिल्ली में? अरे राहुल राहुल कब, वो तो आप सब जाने कुना तो चीनत न सब चीनत, हमारी बार भी बेच में तैयार है बात तो बिके आई हो कहाँ जी जनता समझ गई, जब जो मोदी जी के बगल में बैठ रहे उनने नहीं जो विकास करवा पाओ तो बिकाऊ का विकास करेंगे, हाँ टिकाऊ जो है का वो चीनता है। सही कह रहे जी, हाँ सही कह रहे हैं, क्या नेता लोग आते हैं बातें तो करते हैं लेकिन उन पर खड़े नहीं उतरते हैं, क्या है जो माँ के दरबार में आते हैं लोगों को दिखावा करते हैं कि हम सांसद हैं जनपद हैं, लेकिन माँ के दरबार में आके जो माथा नवा कर जाते हैं तो उस पर खड़े उतरना चाहिए, जब जनता से बोल के जाते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, माँ के दरबार के यहाँ जो बनेंगे हमसे सड़क है पानी की व्यवस्था है, देखो यहाँ अक्कर ने कोई पानी की व्यवस्था है न कोई, हर चीज़ की समस्या है यहाँ, कचरा देखो ये जंगों तंगों कचरा पड़ा हुआ है, साफ सफाई होना चाहिए माँ के दरबार में, पावन नव दुर्गा पे अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन लोग वहाँ क्या वादे कर जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, नेता कुछ बोल जाते हैं करत नहीं है। और क्या आजकल वही है कि बाप परेशान बेटा से, वो देश परेशान नेता से, यही हो रहा है। 90% बेईमान फिर भी मेरा देश महान, यह चल रहा है। अब मैं क्या बोलूं, जब भगवान ही को नहीं छोड़ रहा है
तो हम तुम तो कौन गिनती में लगे। इसने भैया हम आओ क्या वो है माननी जी हर से कि भैया आओ यहाँ, अगर आप विजय पाते हैं यहाँ से, अगर आशा कुछ लेके जाते हैं कि हम जीतेंगे और हम कुछ बनेंगे, तो इनके दरबार में भी कुछ करना चाहिए। नहीं तो बहुत कष्ट हुई है बात, कष्ट चूल्हे की खाई मंजोटे हो खड़े हुए बुंदेलखंडी बोले देखा दमोह लोकसभा में, दमोह लोकसभा में कांग्रेस की प्रचंड जी बिल्कुल चश्मा लगा बिल्कुल जी काय जीत रही। अब बीजेपी चुनाव आता तो बड़े बड़े मुद्दे वादे करती है और जीत जाती उसके बाद कुछ करती नहीं है, इसलिए जनता ने फुल मन मना लिया इस बार कांग्रेस की। कांग्रेस जो बीजेपी बोल रही है 400 पार, आपकी बार कांग्रेस की 400 पार होना है। कांग्रेस 400 पार कांग्रेस हुई आपकी बार। हाँ। और इतने बड़ा मलहया में पहला कांग्रेस को जिता तो राम सिया हूँ और अब तायबा सिंह लोधी 50,000 से जीत के लिए, बड़ा मलहया से तायबा लोधी 50,000 जीत के लिए 50,000। और इतने पूरा फैक्ट है चैन सिंह यादव, इतने को पूरा यादव उन्हें देख के वोट देगा पूरा कांग्रेस चैन सिंह। बीजेपी राम के नाम पर वोट तो लेती है, एक मंदिर का अच्छा करना, एक मंदिर बना दिया उससे कुछ नहीं होता, हर मंदिर की देखें जैसे अबार माता है, राम के नाम पे वोट ले ली अबार माता को, हम लोग 20 साल से ट्रस्ट की बोले, अभी तक कोई नेता ने ट्रस्ट नहीं बनवा पाया है। कलेक्टर के पास भी जाते हैं, कलेक्टर आश्वासन दे देते हैं कि भैया हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता। तीन करोड़ रुपया निकला दिखाई नहीं रहा कुछ, 3 करोड़ से बजट ही नहीं आ रहा। रामसिया भारती से बोलते हैं कि दीदी कुछ काम देखें, वो बोलती बजट ही नहीं आ रहा है, ऊपर से पैसे ही नहीं आ रहे हैं, ऐसे सब बोलते हैं, हम लोग से बातें करते बस और होता कुछ नहीं है। दादा बोलो जी, बोलो इनसे बुला रहे हैं, इनसे बोलो नौकरी कर रहे हैं नौकरी। चलो चलो दादा दादा, अरे कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं हम सब लोग। कितनी उम्र हो गई हमारी? हो गई 65 साल। कांग्रेस ही में जब कांग्रेस में देश, अरे बीजेपी बारे कुछ करते नहीं है, मोदी कुछ करते नहीं है, लाभ नहीं बच्चा है घर घर मोदी भली है लेकिन काम करते नहीं है, बच्चा है बच्चा कुछ भी। राहुल राहुल लोधी कैसे भाजपा के? राहुल भी नहीं है, ठीक नहीं है साहब, बिक जाएंगे भी, उनके चाचा भी बिक गए थे, वे भी बिक जाएंगे, बिकाऊ लोग हैं, बिकाऊ लग रहे हैं। राहुल लोधी बिकाऊ हैं, हमको टिकाऊ चाहिए। पहली बात भाजपा पिछड़ा विरोधी है, सीधी बात मेन चीज ये है कि पिछड़न का नहीं है भाजपा में, न किसान का है ना पिछड़ों का है, पिछड़ा वर्ग का वो आरक्षण नहीं होने नहीं हो, कहीं मिलते ही नहीं है पिछड़ा को कुछ कहने को। हम लोग उनकी आबादी 65% है, मिलने को आरक्षण आता है, जब अकेले पंचायत में दे देते दे, हम लोगों को विधानसभा में मिलना चाहिए आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए कि इतनी है, जब तो मिलना चाहिए जनपद में मिलना चाहिए, नहीं मिलती है। ग्राम पंचायत में तो 9% दिया उनने आरक्षण, 9% दिया जो 14 को। हाँ बस यहाँ की जनपद कम से कम 40 साल होगी हरिजन हरिजन हरिजन, आज तक पिछड़ा को मौका ही नहीं मिला। इस देश की जो आबादी है वो 52% ओबीसी, यानी ओबीसी जो वोट बैंक है वो ही प्रधानमंत्री बनाता है, वो ही बिगाड़ता है। यहाँ की ओबीसी का ये मानना है कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया, तो ये छलावा किया ओबीसी के साथ जी। अभी आप देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के काम है उनसे संतुष्ट हैं आप? क्यों? क्योंकि कुछ करते नहीं, बोलते हैं कि हम अभी अभी जो चुनाव है इसलिए बोलती हैं बीजेपी को दो, बन जाते कुछ करवाते ही नहीं, बस 27 लोगों की मांग गई। हाँ घोषणा गई 27 लोग। हाँ अब 22 लोग की गरीब होते हैं, 22 लोग सेंटर बंद है हमारा, राम तो सेंटर हमारा सेंटर बंद है, आज तक नहीं खुला। जब बेईमानी काय करी इनने, अब कहाँ पता, उन्हें तो वोट जाने है, उसको कह दे कि हम 5,000 की खरीदे, लाडली बहनों को दे सुबह ऐसे दे के ना हम पे बाधा गई आदमन की तो भर रहा है, पहले हम उनको कम मिल रहा है, गरीब आदमी रहे जो गरीब महिला मिली। हाँ हाँ, न जमीन के मिले न कछु के मिले, हुआ ऊपर से लाडली बहना तो हमारी जमीन है ना, तो जमीन की नहीं मिलेगा, मोदी ने डाये भी नहीं मिलेगा, मोदी ने नहीं डाले तुम्हें किसान पे जी एस टी लगा दी बोला वे सरकार सब कर लेते हूँ भाई को मैं लीपा पोती कर देता भाई जी एस टी वोट चाहना सब लोकसभा में कौन को
का पता भाई, अब जो नहीं बता सकते। अब इतने पढ़े लिखे होते हम तो बता देते। अब हम तो में काई की पढ़ाई लिखाई बोर्ड का ना देने बोर्ड बढ़िया आदमी है, लायक है, बेको भी नहीं है, छेदको है अपने, इसलिए अभी बिक ही गए थे और का, उनके भैया बिक गए थे, बेबी बिक गए थे, और का भैया भैया तो वहाँ ही ठीक ठाक। अब तुम देख नहीं है ठीक ठाक, सभी तो बुराई कर रहे हैं उनकी, ठीक ठाक तो बुराई क्या करते। आदमी को माहौल देख लेते ना, ठीक ठाक होते तो बिकते का है। पहले उन्हें साफ दाओ जनता ने, है वही को पकड़े रहते क्या, जनता ने वोट दिया। अब हम उन्हें कौन, हमारे अंग 50 करोड़ से कम तो लड़ाई नहीं हुई, जब तक बिकी तनक मनक में बिका ऐसी कमाई। 1000 किसानों का पंजीयन हुआ हमारी रामतौरिया सोसाइटी में, टोटल 100-100 रुपया एक पंजीयन पे, माने कागज पत्र जो जो उनने मांगे, जो जो दहर किसान परेशान रहा। अब बाद में ये हुआ कि अभी किसी, आज तक नहीं खरीदी गई, हमारी घरे रखी, आपको बता रहे 200 क्विंटल हम बानिया से जा जुबानिया कद कहें 20 की लेने, 27 24 की ले ले, भगवान सेंटर नहीं खुला हमारे पूरे ब्लॉक में, बड़ा मिले ब्लॉक में कोई सेंटर नहीं खुला है गेहूँ खरीदी का। इसलिए हम लोग शासन उनसे कहते हैं, जो समिति प्रबंधक है, कि भैया क्यों नहीं खरीद कर रहा है, कह रहा ऊपर से कर्मचारी कहते हैं कि पैसा दो तो हम ले करेंगे, इसलिए वो कह रहा हम नहीं कर पाएंगे खरीदी। मुकदमे तो नहीं बना झूठे की भाई, लोगों पे जो बोले बिल्कुल बनते हैं। आज हम बोल रहे हैं हमें ठिकाना नहीं है, हम पर कब मुकदमा बन जाए, कब पुलिस से पकड़वा देवे, कोई ठिकाना नहीं है भाजपा में जी है। हाँ मुकदमा बना फिर कटे, हम चुनाव के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम मंदिर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। मंदिर के बारे में हम यहाँ पुलिस, सबसे पहले पुलिस चौकी यहाँ पे चाहते हैं मंदिर पे, और यहाँ की साफ सफाई बस, और सब जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, बहुत गंदगी रहती है, बारिश में और दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। हम यही कहते हैं मंदिर के बारे में, 2 करोड़ रुपया इसमें व्यवस्था नहीं, अभी काम तो चल रहा है, लेकिन अभी काम बंद है 2-3 महीने से। चलो जयराम जी, कहाँ से हैं आप? सागर से। कहाँ स्थिति देखा चुनाव, चुनाव के बारे में हम नहीं बोल सकते कुछ, आप बोलेंगे कुछ? सागर से। हाँ, नाम सुनाता है यहाँ का, और व्यवस्था कुछ नहीं। हाँ, ये बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। हाँ, उदल ने यहाँ तपस्या की, प्राचीन मंदिर नहीं, उसके बारे में सुना बहुत तबर, देख के लग रहा है यहाँ तरक्की कुछ नहीं, और मंदिर का जो व्यवस्था होनी चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कोई बाथरूम है, ना कोई कुछ है, मतलब वैसी व्यवस्था तो नहीं। पता चला कि 3 करोड़ रुपया विकास के लिए, आपको लग रहा है कि 3 करोड़ रुपये? 3 करोड़ यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ विकास, जैसा अपना राजनीतिक क्षेत्र है, टिकी तौरिया है, तो वो प्रसिद्ध जो कहाँ कहाँ के लोग आते, कितनी बड़ी बड़ी व्यवस्था है वहाँ, ये तो बड़ा प्राचीन क्षेत्र, प्राचीन छात्र, प्राचीन क्षेत्र, लेकिन व्यवस्था नहीं बैठा है, का कहो क्या है? हम कहाँ के हो? सागर के। कहाँ लग रहा है ये बात? चुनाव राजनीति नहीं जा रहा, लंबे चौड़े इतने यार, और काय में मजा नौकरी करते बच्चा, आप कुछ नहीं करते, तुम नहीं कर रहे, बेरोजगार। हाँ, लोकसभा चुनाव का लग रहा है खुला यह है और का सब दिनों तो कांग्रेस, अरे अब कांग्रेस की क्या लल्ली बहना की तो कितने बूटे इतनी के सड़सड़ाटो पन्ने और का नाम भी कट गया, अरे तो कितने नाम कटे हुए, कितने कट गए हुए आप बताओ, लाली बहना जिता रहे, अरे लाली बहना तो जिता ही रहे। का है हाल चाल? बढ़िया है, तो दांत तो रह नहीं है, भाव नहीं है, का है तो चुनाव होना हो, चुनाव होना हो, भाव हो रहा है, फूल लग रहा है, फूल आ रहा है, हाँ जी, धीरे से आए कि चिल्ले आए? चिल्ले आ गया है। अच्छा, क्या नाम है? तो हमारा नाम है सुरेंद्र पाल। क्या देखते हैं यहाँ, जो अवार माता का जो पैसा है, विकास हुआ नहीं, बंदरवार हो गया, ये सिद्ध क्षेत्र विकास की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं करे, क्या है जनपद वाले हैं जो
वो खाली यहाँ से जितनी भी राशि आती है वो उठा के ले जाते हैं, और उनका कचरा भी यहीं से दर्शनार्थियों को खुद साफ करना पड़ता है, और पैसे का कोई रूझबूझ नहीं है। ले जाने का भाई काम है उनका, यहाँ पे विकास में लगाने का एक रुपये का भी काम नहीं करते वो लोग। ना तो लाइट की व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था, ना यहाँ पे कोई भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी कोई व्यवस्था। चलो आप यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे देख लीजिए जी, जो व्यवस्था इतना एक ट्राली भर जाएगी अभी कचरा, इतना कचरा है। अगर जीप भर के लेके आते गिनती मारते एक दो तीन बस, ना यहाँ पे लाइट ना पानी व्यवस्था भी ना लिमे करा था नहीं, इतनी गहरी ना नहीं कचरा हमारा। हम बड़ा मलेरा के सिद्ध क्षेत्र तबार माता में थे, लोगों से जाना हमने और दबो लोकसभा की भी चर्चा की। मैं कहूँगा कि ईश्वर की शायद ताकत को लोग जानते नहीं, बड़ा बहुत मेरे पिता का शेर है कि जिसने पी डाले हो सागर के सागर, तो जिसने घर बुलवाए हो चांद सितारे, लोग यहाँ तक कहते हैं मौत डर जाती है उसके डर के मारे, तो तुम खाक करोगे उसकी गतिविधियों को बंदी, उसने तो सूरज को जलने का सामान दिया है। ये जगदम्बा माँ हैं जो सूरज को जलाती हैं, चंद्रमा को शीतलता प्रदान करती हैं। उनके दरबार में अगर कोई बेईमानी करेगा तो ये बिल्कुल तय है कि उसका राजनीतिक कैरियर अंत हो जाएगा और जीवन में उसको सदैव कष्ट रहेगा। ये यहाँ के दरबार के और यहाँ के बासिंदे कहते हैं। मुकेश यादव के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस, बड़ा मलेरा। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।